दोस्तों आज की कहानी है भाभी जी। आप तो आत्मनिर्भर हो तो भी घर के काम क्यों करती हो? दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। काव्या की जब से नौकरी लगी थी तब वह पहले से काफी बदल गई है, क्योंकि उसे घर का काम करना अब अपनी इज्जत की तोहीन लगती थी। इसलिए उसने खाना बनाने के लिए और ऊपर का काम झाड़ू पोछा करने के लिए दो काम वाली लगा ली थी और घर का काम ना के बराबर करने लगी थी। उसके साथ ससुर बूढ़े हो चले थे और एकमात्र कमाऊ बेटा और उसकी पत्नी को कुछ कहने से डरते थे। काव्या यहाँ का पति सुरेश भी उसे दो तीन बार कह चुका था कि अभी अभी तुम्हारी नौकरी लगी है, दो दो काम वाली का खर्चा और उसके ऊपर से वह जो इतना मिर्च मसाला वाला खाना बनाती हैं उससे अम्मा और बाबूजी की तबीयत खराब रहने लगी है, पेट भी उनका खराब रहता है। इसके अलावा हमारा बेटा विक्की भी आजकल थोड़ा बीमार सा रहने लगा है। तुम थोड़ा समय घर का खाना बना लोगी या कम से कम अम्मा बाबूजी के लिए सब्जी बना दिया करो, क्योंकि तुमने जो खाना बनाने वाली रखो रखा है वह बहुत मिर्च मसाले वाली सब्जी बनाती है। सुरेश की बात सुनकर काव्या एकदम से सिड़ गई और उसने भी खड़े खड़े सुरेश को इतना कुछ सुना दिया कि दोबारा कुछ भी कहने की सुरेश की हिम्मत ही नहीं हुई। काव्या ने साफ साफ कह दिया कि देखो सुरेश, पहले मैं हाउस वाइफ थी, मैं सिर्फ घर में रहती थी इसलिए मैं सारा काम करती थी। अब मैं आत्मनिर्भर हूँ और नौकरी करती हूँ। अब मैं घर का काम करके नौकरानी की तरह नहीं रहना चाहती। तुम्हारा मतलब है कि जो लोग घर का काम करते हैं वह लोग नौकरानी हैं, नौकर होते हैं। बस सुरेश, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी है, काव्या ने गुस्से से कहा और अपने काम में लग गई। अपना सा मुंह लेकर बैठ गया और लैपटॉप पर ऑफिस का काम करने लगा। इधर काव्या का मुंह हमेशा सड़ा हुआ ही रहता था और वह अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगी थी। यही नहीं, उसका स्वभाव बदलता जा रहा था। वह अपनी उन सहेलियों के साथ भी बहुत अकड़ कर बात करती थी, जिससे वह जब घर में रहा करती थी तो उनसे पहले बहुत प्यार से बात करती और उनके साथ अपना समय बिताया करती थी। अब नौकरी करने
के बाद काव्या को औरतें बहुत ही निम्न लगती थी, अपने से कमतर लगती थी, इसलिए ये वह उन लोगों से भी बात नहीं करती थी। धीरे धीरे काव्या अकेली पढ़ने लगी और कुछ ही दिनों में उसे बहुत थकावट भी रहने लगी थी। जितनी भी सैलरी मिलती दो काम वालियों को देने के बाद उसके आने जाने का खर्चा निकाल कर वह ज्यादा पैसे भी नहीं बसा पा रही थी। इसके अलावा नौकरानी जो खाना बनाती थी उसमें सच में वह इतना तेल मसाला डाल दी थी कि काव्या की भी तबीयत खराब रहने लगी थी। लेकिन वह ये कहकर अब हार नहीं मानना चाहती थी, इसलिए सुप साप सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। बात हो सके बर्दाश्त से ज्यादा हो गई और उसका बेटा विक्की बहुत बीमार हो गया, यहाँ तक कि उसके ऑपरेशन की नौबत आ गई। तब काव्या को समझ में आया कि इतना भी वह बिजी नहीं रहती है कि एक समय का खाना ना बना सके। और सास तो कहती थी कि दिन में वह एक सब्जी और दाल तो बना ही सकती है। ठीक है, वह सब्जियां कटवा ले, आटा गूंद वाले, लेकिन अब जब तक हो पाएगा वह घर का खाना घर में बनाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब बात काव्या की नहीं थी, अब वह अपने बेटे का गिरता हुआ स्वास्थ्य नहीं देख सकती थी। विक्की स्वस्थ नहीं रह रहा था और उसकी पढ़ाई में भी बहुत परफॉर्मेंस डाउन हो रहा था, इसलिए काव्या ने थोड़ा थोड़ा समय घर को देना शुरू किया और अपने पुरानी दोस्तों से भी थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया तो उसे बहुत अच्छा लगने लगा। ऑफिस के काम से के बोझ के तले वह जो अकेली पड़ गई थी तो उसे डिप्रेशन की दवाई खानी पड़ गई थी। अब जब दोबारा वह सब लोगों से मिलने लगी, बचे हुए टाइम में घर का कुछ काम कर लेती और बच्चे और सास ससुर के साथ समय बिताती, कभी किसी सहेली से बात कर लेती, मिलने चली जाती। धीरे धीरे काव्या अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ रही थी। नौकरी के साथ घर का भी सामंजस्य बैठा रही थी और उसका डिप्रेशन पता नहीं कहां उड़न सू हो गया था। उसके छोटे भाई की शादी हुई और वह जब मायके गई तो उसने देखा उसकी नई भाभी इतने बड़े पद पर होने के बावजूद घर का भी काम करती थी और ऑफिस पर जाती और दोनों जगह बैलेंस रखने की कोशिश करती थी, यहाँ तक कि रसोई में कभी चाय तक नहीं बनाने वाले पिताजी को भी उसने प्यार से मना लिया था कि पिताजी सुबह उठते हैं तो सुबह की चाय बना दिया करेंगे। इस बदलाव से पूरा घर खुश रहता था और किसी के मन में ना तो हीन भावना आती थी ना घर का काम करने में कोई
खुद को हीन समझता था। काव्या जब अपनी मायके गई और अपनी भाभी से मिलकर आई तो प्रेरणा उसकी प्रेरणा बन गई, क्योंकि वह काव्या से भी ज्यादा पढ़ी लिखी थी और काव्या से भी अच्छी नौकरी कर रही थी। फिर भी उसकी विनम्रता और घर संभालने की कार्य कुशलता ने सबका दिल जीत लिया था। वैसे यहाँ पर सारा क्रेडिट प्रेरणा को देना भी सही नहीं है, फिर ना कि मैं खुद एक नौकरी पैसा असली थी और उसने अपनी माँ से भी गृह प्रबंधन और नौकरी के साथ बैलेंस करना सीखा था। भाई की शादी के 2 महीने बाद एक बार फिर काव्या को मायके जाने का अवसर मिला तो इस बार उसने अपना ईगो साइड रख कर भाभी से पूछा कि वह घर और बाहर इतनी अच्छी से तरह से कैसे मैनेज करती हैं। तो उन्होंने बताया कि वह सब्जियां वगैरह काम वाली से कटवा लिया करती हैं, मसाले 130 लेती हैं। इसके साथ ही वह बहुत सारे काम अम्मा बाबू जी से लेती हैं, जो उनको बुरा भी नहीं लगता और सूखा काम देती हैं, जैसे क्योंकि हाथ ढीले ना हो, परेशान ना हो, जैसे कि काम करने वाले जब तक काम करती हैं तो अम्मा को बोल देती हैं आप उनको देखते रहिए, साथ साथ में कपड़े तो हो जाते हैं, उसमें किसी को बुरा नहीं लगता। टीवी देखते हुए भी बहुत सारा काम एक साथ हो जाता है और इस तरह से कुछ नयापन कुछ पुराना पुराने तरीके अपना कर वह घर को बहुत ही सुचारू रूप से चला रही थी। इस बार मायके से आने के बाद काव्या में बहुत सारा सकारात्मक बदलाव था, जिसे देखकर घरवाले वह सकित थे। वह भी गृह प्रबंधन को बहुत महत्व देने लगी थी और धीरे धीरे घर को अपना कर हर काम को प्यार से करती, कोई सूखी रोटी और सब्जी भी बनाती तो उसमें प्यार झलकता और उसको मन से बनाती थी तो कोई मामूली सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बन जाती, क्योंकि पहले काव्या को ये सब काम्बुज लगता था। उसे लगता था जो कि वह नौकरी नहीं करती, घर में रहती हैं तो उसे नौकरानी समझ के उसे नीचे दर्जा का समाज के लोग घर का काम करने कह रहे। प्रेरणा ने काव्या की मानसिकता बदल दी थी और कुछ परिस्थितियों को देखकर भी काव्या में अब काफी समझदारी आ गई थी।